नमस्कार मित्रों, द ए के गुप्ता चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगला जो चैप्टर है वो संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क व सिटी से संबंधित क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय क्या है? तो ये आपका आंसर होगा राजकीय संग्रहालय लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर नोएडा होगा। अगला है, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालयों की संख्या कितनी है? तो 3 है और इन तीनों का आंसर आप जान लें, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा लखनऊ। नेक्स्ट है, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है? इसका आंसर आपका वाराणसी होगा, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? इसका आंसर लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका आंसर आपका लखनऊ में होगा। अगला है, आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर मेरठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साग भाजी शोध संस्थान, इसका आंसर वाराणसी। ये अभी हाल ही के 16 अगस्त का जो चैप्टर BEO यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो पेपर था उसमें ये आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है? इसका आंसर कानपुर, और ये भी BEO जो 16 अगस्त का पेपर हुआ था उसमें आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोषण संस्थान स्थित है? तो इसका आंसर लखनऊ होगा। अगला, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका आंसर बरेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गौतम बुद्ध नगर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, ये ग्रेटर नोएडा आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गलत है यानी कि सही हमें नहीं बताना था? एग्रो पार्क लखनऊ बिल्कुल सही, अप्रैल पार्क नोएडा लिखा है जबकि इसका आंसर गाजियाबाद होगा, तो यही इसका आंसर होगा। प्लास्टिक सिटी कानपुर बिल्कुल सही है, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? बायोटेक पार्क लखनऊ है बिल्कुल सही है, टोनिका सिटी ये भी आपका गाजियाबाद में है जो कि ये नोएडा दिया है, प्लास्टिक सिटी कानपुर और लेदर टेक पार्क उन्नाव, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये कई बार क्वेश्चन TET के पेपर में आया है, इसका आंसर सहारनपुर होगा। नेक्स्ट, भारतीय चारागाह व चारा अनुसंधान संस्थान जो झांसी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, ये कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान स्थित है, ये खुर्जा में जो UP TET 69,000 के वैकेंसी में क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, झांसी में इसका आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल स्थित है, ये शाहजहाँपुर में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति शोध अनुसंधान शोध संस्थान अवस्थित है, ये लखनऊ है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल मैंगो रिसर्च सेंटर, ये लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये लखनऊ में है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी है। भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, यानी कि सब्जी और साग भाजी दोनों का आंसर क्या होगा, वाराणसी होगा। नेक्स्ट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो कि बरेली में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो लखनऊ में है, अगला जिसे आप मैच करेंगे यह है आपका बीबीगिरी। बीबीगिरी की अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसका आंसर होगा बीबीगिरी जो कि नोएडा में, देन है सेंट्रल ड्रग रिसर्च जो कि लखनऊ में है, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट जो आगरा में है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल मेरठ में है, और इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन होगा वो डी मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसे भी मैच करना था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम जो कि
वाराणसी में है, इसका ऑप्शन एक यानी कि 4 होगा। भारत खंडे अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में है यानी कि बी का 3 होगा। निराला आर्ट ये रायबरेली में है, और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये सॉरी निराला आर्ट जो होगा वो आपका आंसर प्रयागराज में है, और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये रायबरेली में है, और इस हिसाब से इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आगरा में है। अगला, कौन सा एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है, ये थीम पार्क आगरा बिल्कुल सही है, मेगा फूड पार्क बरेली में ये भी सही है, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर ये नहीं है। नेक्स्ट है, वुमेन पावर लाइन 1090 कब स्टार्ट हुआ था, तो इसका आंसर था 15 नवंबर 2012। अगला है, सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह किस संग्रहालय में है, तो ये सारनाथ में है। तो दोस्तों, द ए के गुप्ता चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।